बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी, जिसे थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। इससे आप एक क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट थ्योरम प्रूफ करने के लिए पूछा गया है, तो कई बार इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम ये बन जाता है और उतना ही आसान इसका प्रूफ है। तो चलिए अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ बीपीटी, इसके स्टेटमेंट क्या है तो इसको देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी इट सेज इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। यहाँ पे एक ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी, इतना क्लियर। अब ये जो बी सी है ये साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी है। अब इस साइड के अलॉन्ग अगर हम एक पैरेलल ड्रॉ कर दें, मान लेते हैं डी, तो ये डी पैरेलल बी सी बन गया। तो ये जो अदर टू साइड्स है ट्रायंगल के ए बी और ए सी, तो ये डी क्या कर रहा है, तो डी जो है इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट डी ऑन साइड्स ए बी और इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट ई ऑन साइड ए सी, ये क्लियर। तो अगर कुछ ऐसा होता है ट्रायंगल में, तो यहाँ पे ये जो अदर टू साइड्स हैं इसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया है, तो अदर टू साइड्स ट्रायंगल का ये हो गया। ये डी क्या करेगा, ये जो अदर टू साइड्स है इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, मीन्स ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी बनेगा। तो यहाँ हमें प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, सेम रेशियो में दोनों साइड को डिवाइड कर रहे हैं, तो यही हमें प्रूफ करना है, इतना क्लियर। तो यहाँ पे गिवन क्या है, तो गिवन में हम लिख लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी इन विच डी पैरेलल बी सी, डी पैरेलल बी सी है और डी क्या क्या रहा है, इंटरसेक्ट ए बी इन डी एंड ए सी इन ई, ए सी पे ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ए बी पे डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इतना क्लियर। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें इस ट्रायंगल में कुछ कंस्ट्रक्शंस भी करने होंगे। तो देखिए सबसे पहले ज्वाइन बी एंड सी डी, इनको ज्वाइन कर दीजिए। तो यहां लिख दीजिए ज्वाइन बी एंड सी डी, इतना क्लियर। उसके बाद डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बना दीजिए ऑन ए ई और ए सी या फिर सी ए कह सकते हैं, और ई पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर बना दीजिए ऑन साइड ई डी या फिर बी ए भी कह सकते हैं। इन दोनों पॉइंट को हम कह देते हैं ई, ई तो हम यूज कर चुके हैं, एफ और जी, ये क्लियर। तो हमने किया क्या कि ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर ऑन बी ए एंड डी जी परपेंडिकुलर ऑन सी ए, तो ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, इतना क्लियर। अब यहां पे ए डी अपॉन डी बी ये लाने के लिए हमें एक ट्रायंगल ए डी ई और दूसरा ट्रायंगल डी बी ई, इनके हेल्प से हम ये पार्ट ले आएंगे और ए डी ई और डी ई सी इन दो ट्रायंगल के हेल्प से हमें ये पार्ट मिल जाएगा और इसी प्रकार हमें प्रूफ करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ए डी ई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ये हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए परपेंडिकुलर लेंथ को ही हम ट्रायंगल का हाइट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए डी ई, यहाँ पे ये बेस क्या बन गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस हो जाएगा ए डी और हाइट की बात करें तो ये बनेगा ई एफ। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ये हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस ए डी इंटू हाइट ऑफ ट्रायंगल ई एफ, इतना क्लियर। लेट्स से इक्वेशन नंबर वन, ये क्लियर। अब इस ट्रायंगल को यूज कीजिए डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई ये अगर हम निकाले तो हाफ बेस तो डी बी और हाइट परपेंडिकुलर ये क्या बनेगा, तो यहां पे ये ई एफ ही बनेगा। लेट्स से इक्वेशन नंबर टू, अब ये ई एफ इसको हमने हाइट क्यों लिया, तो देखिए किसी भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में, अब यहां पे अगर हमें इस ट्रायंगल का हाइट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे
ये बेस है तो ये पूरा भी बेस ऑफ ट्रायंगल ही कहलाएगा, तो ये जो है यही इस ट्रायंगल का हाइट भी कहलाएगा। तो यहाँ पे ये बी डी बेस था, तो बी एफ ये भी बेस ही कहलाएगा। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो हाइट है यही इस ट्रायंगल का भी हाइट बन जाएगा। तो यहाँ हाइट के प्लेस पे ई एफ लिख दिए, इतना क्लियर ना। अब इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी निकाल ले बाय यूजिंग वन एंड टू, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी, तो हाफ डी बी इंटू ई एफ, ई एफ कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, ए डी अपॉन डी बी। और यही बोला था मैंने कि इन दोनों ट्रायंगल के हेल्प से आपको ये जो पार्ट है ए डी अपॉन डी बी ये मिलने वाला है। ये देखिए ये आ चुका है, इसको अगर मान ले इक्वेशन नंबर थ्री ना। सिमिलरली अब हम इन दोनों ट्रायंगल को यूज करेंगे, तो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी लिखे। तो देखिए ए डी ट्रायंगल में एक तो हाइट ये है, दूसरा परपेंडिकुलर हमने ये भी ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे अगर हम इस परपेंडिकुलर को यूज करें तो ये बेस बन जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ये हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस ए ई इंटू हाइट, तो हाइट के प्लेस पे डी जी, इतना क्लियर। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, इस ट्रायंगल को देखिए, तो इस ट्रायंगल के लिए अगर हम इसको परपेंडिकुलर माने तो ये जो आपका सी है ये बेस कहलाएगा, या फिर सी जी भी बेस कहलाएगा, इसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये हम परपेंडिकुलर यूज कर सकते हैं इस ट्रायंगल में डी ई सी के लिए। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी ये बन जाएगा हाफ इंटू बेस ई सी और इंटू हाइट, तो हाइट क्या है डी जी, ये क्लियर। अब यहां से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी निकाले तो ये क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी हाफ ए इंटू डी जी, और यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी हाफ ई सी इंटू डी जी, ये क्लियर। डी जी कैंसिल, हाफ और हाफ कैंसिल, ए अपॉन ई सी आ गया। देखिए ये पार्ट इन दोनों ट्रायंगल के हेल्प से आ गया, ये चीजें दिमाग में रखनी है ठीक है, तभी आप प्रूफ को आसान बना पाएंगे ना। इसको अगर मान ले फोर्थ, तो अब इन दोनों को हम तभी इक्वेट कर पाएंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, अगर हम इनको इक्वल प्रूफ कर दें तो इन दोनों को इक्वेट किया जा सकता है और प्रूफ आ जाएगा, ये क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो डी बी ई ये ट्रायंगल और डी ई सी ये ट्रायंगल, इन दोनों के लिए जो है अगर हम कहें तो ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे लाई कर रहा है, और ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों ट्रायंगल लाई कर रहा है एट सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। सिंस ट्रायंगल डी बी एंड ट्रायंगल डी सी लाइज ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, तो ये जो बेस है ये क्या है यहाँ पे डी, यहाँ ब्रैकेट में डी लिख दीजिएगा, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल क्या है डी पैरेलल बी सी है ठीक है। सो यहां से हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई ये इक्वल होगा
एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी के, इतना क्लियर। अब इन दोनों का एरिया अगर इक्वल है तो इनका अगर हम रेसिप्रोकेट कर दे तो भी इनका एरिया इक्वल ही होगा, तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं वन अपॉन, सो वन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई ये इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल वन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। अगर ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों का रेसिप्रोकल भी इक्वल ही होगा ना, ये क्लियर। अब यहाँ पे ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी है और यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी है, तो दोनों ही जगह हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी का मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी ऑन बोथ साइड्स, तो यहां से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, इतना क्लियर। नाउ ये क्या आया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी एडी अपॉन डीबी, तो इतने के प्लेस पे लिख दीजिए एडी अपॉन डीबी और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, ये भी आया था ए अपॉन ईसी, तो इक्वल टू ए अपॉन ईसी, और यही तो हमें प्रूफ करना था। काफी आसान थ्योरम है बट इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए ना। अब इसके ऊपर कुछ और भी प्रूफ आ सकते हैं तो उनको भी देखते हैं। देख अब यहां तक तो हमने प्रूफ कर दिया है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। अब इसी रिजल्ट में अकॉर्डिंग टू बी पी टी वी हैव ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ए सी। अब दोनों साइड अगर हम प्लस वन कर दें तो भी ये इक्वल ही कहलाएगा दोनों, ये क्लियर। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए प्लस ई सी होल अपॉन ई सी, इतना क्लियर ना। ए डी प्लस डी बी इसको हम लिख सकते हैं ए बी, तो इतने प्लेस पे ए बी अपॉन डी बी, और ए प्लस ई सी इतने प्लेस पे लिख सकते हैं ए सी अपॉन ई सी, तो आपसे ये भी प्रूफ करने को कहा जा सकता है, ठीक है। ए बी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई सी प्रूफ कीजिए। तो सबसे पहले आपको बीपीटी प्रूफ करना है और यहां पे दोनों साइड प्लस वन करके ये इजली प्रूफ कर लेना है। बीटी हमारे पास ये रिजल्ट ऑलरेडी आ गया था तो इसको एक और बार यूज कीजिए, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। अब दोनों साइड इनका रेसिप्रोकेट कर दीजिए, तो रेसिप्रोकल करने पे ये बन जाएगा डी बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए, और ये भी इक्वल ही होगा, ठीक है। अब दोनों साइड प्लस वन कीजिए तो क्या रिजल्ट बनता है, तो देखिए यहाँ नीचे एलसीएम ए डी आ जाएगा, ऊपर डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी, और ये इक्वल्स टू यहाँ नीचे ए और ऊपर बनेगा ई सी प्लस ए, तो डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी इसको भी हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डी, और ई सी प्लस ए इसको भी हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए। तो यहां पे ये भी प्रूफ करने को आ सकता है कि ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए, ठीक है, इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस प्रकार से भी प्रूफ पूछा जा सकता है। यहां पे था ए बी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए सी, और यहां पे हमने प्रूफ किया ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए। जैसे हम जो रेशियो यहां पे ले रहे हैं वही रेशियो अगर हम यहां पे भी रखते हैं कंसिडर करते हैं तो ये दोनों इक्वल आने वाला है, तो यही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है।